अरे भैया, मेरे ऐसी हालत क्यों हो गई पता है? अरे बाप रे बाप, पेट बढ़ गया ना मेरा। आप कहोगे ये पेट है या पानी का मटका है? अरे हंडा भी इससे छोटा रहता है, लेकिन मेरा पेट उस हंडे से भी, मटके से भी बड़ा है। मैंने जॉगिंग करने का सोचा, मेरा पेट कम करता, हो ही नहीं रहा। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि भैया एक काम करो, आप जिम ज्वाइन करो। मैं बोला मेरी उम्र 40 साल है, मैंने जिंदगी में कभी व्यायाम नहीं किया। वो बोला अरे व्यायाम करने के लिए उम्र नहीं, जोश चाहिए। अरे घोड़ा और इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। तू जिम ज्वाइन कर ले, तेरा पेट गायब हो जाएगा। तो उसकी सलाह मैंने सुनी और मैं चला गया जिम। पंठन के सर आए, मैं बोला सर मेरा पेट कम करना है, क्या करो बताओ? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। मैं बोला सर कुछ तो बताओ, 2000 रुपए दिए मैंने और आप बोले कुछ नहीं। मैंने वैसे आपको पता नहीं क्या करना है, लेकिन आओ मैं जो बताता हूं वही करना, बाकी मत करना। मैं बोला सर आप मेरा पेट करने के लिए जो जो बताएंगे वो मैं सब करूंगा, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं। बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे हाथ में ये थमा दिया। अरे बाप रे, मैं बोला सर ये क्या है, जिम पहली बार गया था ना। वो बोला ये है ना ऐसे करने का, पहले उसके हाथ में था, ऊपर लेने का नीचे लेने का, ऊपर लेने का नीचे लेने का। मैं बोला सर ये क्या? बोला ये लोहा है, इसको सिर्फ ऊपर नीचे करने का। मैं बोला अच्छा है सर, लेकिन मेरा पेट ऊपर नीचे नहीं करने का, ये लोहा ऊपर नीचे करने का, ऐसा वो बोल रहा है। मैं बोला सर पेट का और इसका क्या संबंध? अरे है भाई, 2000 दिया है ना, चुप बैठ। मैं बोला ठीक है अभी कुछ नहीं रहेगा, मैंने ऐसे ले लिया वो लोहा और जोश में ऐसा किया था करके। पहले दिन मेरे को इतना चोट आया भाई, इधर इतना सूज गया, सब लोग हंसने लगे क्योंकि पेट भी बड़ा दिख रहा है और मेरा एक टकला वो भी बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा ऐसा वो हो गया था। बोला ये क्या है, ऊपर नीचे बहुत करा भाई। मैं बोला जो बोले अंकल भैया जो भी है ये मेरे को नीचे, ये तो मैं घर में भी करता हूं, इसमें क्या बड़ी बात। बोला आप ये घर में करते हो कैसे? मैंने उसको बताया, देखो सुबह सुबह मुझे बाथरूम लगती और मेरा बाथरूम घर में नहीं बाहर है, तो हम ऐसा वो डब्बा लेते हैं पानी का, ऐसा उठाते और थोड़े 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 जाते, उसके बाद सेम एकदम बाल्टी लेते हैं पानी की नहाने के लिए और बाल्टी ऐसे उठाते और थोड़ा 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 घाट पे जाते नहाते, सेम फिर बाल्टी लेते पानी का उठाते, कपड़ा धोने का है दौड़ा 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 चला जाते और फिर कपड़े धोते। बोला फिर ये कैंसर? बोला कैंसर, उसके बाद? बोला अभी एक एक्सरसाइज ऐसा बताऊंगा कि तुम्हारा पेट एकदम क्या होगा, गायब हो जाएगा। मैं बोला ऐसा कौन सा है? बोला एक काम करो तुम है ना, ऐसा करो ऐसा। बोला ये क्या, सिर्फ ऐसा करो? मैं बोला ये तो मैं रोज करता हूं।
वो बोला कैसे? पंजाबी सॉन्ग लगता है ना, तो मैं करता हूँ याहू 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 याहू। ओ पागल हो गया है, चुप बैठो साला, 2000 दिया है पेट कम करने का, दिमाग क्यों मेरा कम कर रहा है? वो तुम नाच रहा है ऐसा याहू याहू, अलग है ये, अलग है ये, ऐसा है। मैं बोला ये नहीं जमेगा, ये कैंसिल करो। वो बोला ठीक है, तुम्हारा पेट मैं कम करके रहूंगा। फिर उसने मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज बताया। वो बोल रहा है ध्यान से देखो, मैं भी ध्यान से देख रहा हूं। वो बोला ऐसा करो, मैंने किया और अब बोलता है ऐसा करो ऐसा करो। मैं बोला ये कौन सा एक्सरसाइज है भाई, ऐसा ऐसा मैं किया ऐसा ऐसा, तो मेरे को फील आया कि माधुरी दीक्षित का वो गाना याद आया, धक धक करने लगा मेरा जियारा चलने लगा। ए भाई बोला ये एक्सरसाइज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज करके मैं घर पे गया, मेरे बीबी ने मुझे पूछा कि भैया आए जिम से, वाह वाह वाह, मेरी बीबी मुझे भैया बुलाती है, क्या बोलेगा तुमको। वो बुलाई और मुझे बोली जिम में क्या सीखे, कौन सी एक्सरसाइज सीखे। मैंने उसको बोला आज जिम में सिर्फ मैंने एक ही एक्सरसाइज सीखा। वो बोले करके दिखाओ। मैं उसके सामने गया और उसको एक्सरसाइज करके दिखाया। थक थक करने लगा। वो बोली कल से जिम जाना बंद, जिम नहीं जाने का, जो कुछ धक धक करना है वो घर में करने का, जिम में नहीं करने का। मैं जिम वाले को बोला भाई एक एक्सरसाइज कैंसर। फिर वो बोल रहा है मुझे एक एक्सरसाइज बता दो, उससे तुम्हारा पेट कम होगा। मैं बोला क्या? बोला ऐसा करो, मैं भी ऐसा किया। अब बोला ऐसा करो। मैं बोला ये कौन सा एक्सरसाइज, ये उंगलियां ऐसा करने से पेट कैसे कम होगा। बोला नस, हाथों की नस तुम्हारे पेट से जुड़ी है, इसलिए ऐसा करो। मैं वैसे करने लगा, मैं गया ऐसा ऐसा करते ही गया, रोड से चल रहा था, लोग मेरे पास देख रहे हैं, मैं ऐसा ऐसा करके चल रहा हूं रास्ते से। एक आदमी आया और मेरे को दो तमाचा मारा, बोल रहा है मेरे औरत को देख के तू ऐसा ऐसा कर रहा है, तो मेरे कान के नीचे बजा। दूसरे दिन जिम वाले को बोला ये एक्सरसाइज नहीं चाहिए, बहुत मारते लोग, ऐसा ऐसा करने का क्या, नहीं नहीं मैं जिम नहीं करूंगा। फिर वो बोला ए देख 2000 दिया है तेरा पेट कम करते रहूंगा। मैं बोला भाई मेरा पेट कम मत कर, मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं। तो उसने मुझे एक सलाह दी, टीवी पे एक बाबा आता है, वो बाबा के आश्रम में जा, तेरा पेट कम हो जाएगा। मैं बोला यार 2000 में पेट कम नहीं हुआ, कम से कम सलाह तो मिले। मैं बाबा के आश्रम में गया तो वो वहां पे बाबा था, वो मुझे बोला कि एक नाक से हवा लेने का, नाक बंद करने का, दूसरे नाक से हवा छोड़ने का। मैं बोला इससे पेट कम होगा बाबा? वो बोला हाँ। फिर ले भी गया बाबा, देखो मैं अभी करके दिखाता हूं। हवा ली मैंने, वो बोला नाक बंद करो हवा लेने के बाद। अब इससे हवा पे निकालने लगा बाहर, तो अंदर का जितना मसाला था वो भी बाहर आया। बाबू बोला छी 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 छी, अरे क्या इंसान है क्या गधा है, अरे नाक साफ करके आने का एक्सरसाइज करने के लिए। मैं बोला गलती हो गया मालूम। बोला कल से मत आओ, हमारे आश्रम को प्रदूषित कर रहे तुम। मैं बोला महाराज पेट कम करना है, तेरा पेट जिंदगी में कम नहीं होगा, चले जाओ। मैं वहां से भी चला आया। अब क्या करूं भैया, अगले वीडियो में आप मुझे बताना है मेरा पेट कम करने के लिए मैं क्या करूं, बताओगे ना।
कमेंट में बताना, लेकिन अच्छी अच्छी बातें बताना ताकि मेरा पेट कम हो जाए। ऐसी बातें मत बताना कि दूसरा वीडियो बनाने के लिए मुझे डर लगे। हाँ बताओगे ना? थक थक कर रहे, मैं करते रहता हूँ तब तक। धन्यवाद।